हाय फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ पहली क्रांति का पार्ट नाइन तुम होश में आ चुके हो जान बचाना चाहते हो तो मेरे साथ आओ चिंता मत करो मैं तुम्हारा मददगार हूँ इतना कहने के साथ ही उसने विकास का हाथ थामा और तेजी के साथ सागर के गर्भ में डुबकी लगा दिया विकास भी न जाने क्या सोचकर उसके साथ ही सागर की गहराइयों में उतरता चला गया वह विकास का हाथ पकड़े तैरता चला जा रहा था कुछ ही देर में वह नवकापोष उसे लेकर सागर के गर्भ में बल खाती एक पंडुपी में पहुंच गया पंडुपी के एक कक्ष में जाकर उन दोनों ने लंबी लंबी सांसें ली पंडुपी निरंतर गतिमान थी रहस्यमय सफ़ेद नकाबोश ने विकास को बदलने के लिए कपड़े दिए खुद कहीं चला गया और जब लौटकर आया तो उसके जिसम पर डीला डाला सया लिबास था और चेहरे पर दूध के बाति सफ़ेद नकाब ही था वे दोनों आमने सामने कुर्सियों पर बैठ गए आपने अपने चेहरे पर नकाब क्यों डाल रखा है एकाएक विकास ने प्रश्न किया जाहिर मैं अपने व्यक्तित्व को छुपाना चाहता हूँ उसने बड़ा स्पष्ट और संक्षिप्त उत्तर दिया लेकिन क्यों अपने देश को विदेशियों के चुंगल से आज़ाद कराने के लिए यह आवश्यक है सफ़ेद नकाबोश ने कहा मैं अपना एक दल तैयार कर रहा हूँ ऐसा युवकों का दल जो अपनी जान पर खेल कर अपने देश को आज़ाद कराने का हौसला रखते हों लेकिन विदेशियों की आपार शक्ति से युवक कैसे टकरा सकेंगे विकास नकापोस के मुंह में एकदम सख्त स्वर निकला हमने तो सुना था कि तुम ददकती तोपों के सामने सीना तानकर खड़े हो जाते हो साक्षात मौत के आंखों में आंखें डालकर तुम उसे परास्त करते हो लेकिन लगता है तुम्हारे विषय में जो सुना है वह गलत था क्या तुम यह नहीं जानते हो कि हौसले शक्ति से बुलंद होते हैं तुम तो वैसे भी हिंदुस्तान में रहे हो तुम अभी छोटे हो विकास अपने बुजुर्गों से पूछना वहाँ इंग्लैंड की शक्ति क्या थी और उस अत्याचारी सरकार से जूझने वाले चंद मुट्ठी भर वे लोग वे अपना खून बहाने से नहीं डरते थे उनके दिलों में देशभक्ति का जज्बा था विकास खून की होली उन्हें अच्छी लगती थी आज़ादी की राह में अपनी लाशों को बिछा देना ही वे अपने गर्व की बात समझते थे आज जब हिंदुस्तान में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लिया जाता है तो हिंदुस्तान के एक एक बच्चे की बुझा फड़क उठती है सोचता हूँ उस समय हम क्यों न हुए तुम भी तो हिंदुस्तानी हो सुना है कि तुम एक ऐसे हिंदुस्तानी हो जिस पर हिंदुस्तान नाच करता है लेकिन मुझे तो तुम वहाँ के साधारण बच्चों से भी अधिक लगे हिंदुस्तान के बच्चे शक्ति नहीं देखते फर्ज की राह पर सिर कटाने के लिए तैयार रहते हैं तुम्हें तो क्या पता उन बच्चों उन दिनों बच्चों बच्चे की जबान पढ़ता फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है आज हिंदुस्तान के उन वीर जवानों द्वारा गाई गई ये पक्तियाँ मेरे मन में गूंज रही हैं मैं जानता हूँ इस स्टेट से तुम्हारा भी गहरा रिश्ता है इसलिए तुम्हें बचाया भी ताकि तुम उस दल में रहकर अपने इस नन्हे से देश को आज़ाद करा सको मुझे किसी दल की आवश्यकता नहीं है विकास उसकी नकाब में से जागती हुई लाल आँखों में आँखें डालकर गुर्राया मैं जानता हूँ कि मेरे इस नन्हे से देश पर किसने कब्जा किया है वे मेरे पुराने परिचित हैं मिस्टर नकाब मैं अकेला ही दुश्मनों से बदला लेने का आदि हूँ गुड उस नकापोश ने कहा अगर तुम अकेले ही काम करना चाहते हो तो अकेले ही करो लेकिन फिर भी यह बात ध्यान रखना क्रांति का देवता का दल हमेशा तुम्हारे साथ होगा क्रांति का देवता विकास ने दोहराया यह कौन है तुम्हारे सामने खड़ा है सफ़ेद नकाबपोश बोला क्रांति के ग्रुप के लोग मुझे ही क्रांति का देवता कहते हैं क्रांतिकारी देवता उस समय तक नकाब में रहेगा जब तक यह देश आजाद न हो जाए उसके इस कथन पर विकास उसे देखता ही रह गया फिर विषय परिवर्तन करके बोला मेरे नाना इत्यादि का क्या हुआ कदाचित तुम अभय सिंह पारो राधा और भानु प्रताप इत्यादि के विषय में बात कर रहे हो तथाकथित क्रांति का देवता बोला उनके विषय में मुझे कुछ नहीं बता क्या मतलब विकास चुका कहाँ गए वे? मैं केवल इतना बता सकता हूँ कि अबैसियों को विदेशी पकड़ कर ले गए क्या विकास चौहक कोठा अन्य किसी के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है मेरे नाना को उन्होंने कहाँ कैद किया है विकास बोला क्या आप बता सकते हैं बिल्कुल बता सकते हैं क्रांति के देवता ने कहा और उसके बाद वह वा वास्तव में विकास को कुछ बताने लगा सुपर रघुनाथ के संपूर्ण जिस्म पर चुस्त सिया लिबास था और चेहरे पर काला नकाब था रघुनाथ बली बाती देख सकता था कि इस समय वह किन्हीं पहाड़ियों के नीचे तराश कर बनाए गए हॉल में खड़ा था उसके चारों ओर ठीक उसी लिबास में लिपटे हुए जैसा कि खुद उसके जिस्म पर था यानी चुस्त सा लिबास और काले नकाब पहने अनेक इंसान खड़े थे सबके काले लिबास पर सीने वाले स्थान पर चमकीले सफ़ेद सितारों द्वारा नंबर लिखे थे प्रत्येक नकाबपोश का नंबर अलग था सुपरघुनाथ ने अपना नंबर देखा सैंतीस लिखा हुआ था हाल में अभी तक मौत का सन्नाटा था हाल की दीवारों पर चारों ओर लगी मशालें जल रही थी उसका प्रकाश काफी पर्याप्त था लेकिन उन मशालों के अतिरिक्त रघुनाथ के ठीक सामने फर्श पर ददकते हुए अंगारे पड़े थे शोले इस प्रकार पड़े थे मानो शोलों की कोई सड़क बनी हुई है निसंदेह वे शोले बुरी तरह धदक रहे थे शोलों की सड़क तीन फीट चौड़ी और बारह गज लंबी थी उस सड़क के अंतिम छोर पर मिट्टी की एक डरावनी सी इंसानी आकृति थी उसे अगर इंसानी आकृति न कहकर राक्षसी आकृति कहा जाए तो अधिक उपयुक्त होगा वह बड़ी भयानक थी आंखों के स्थान पर केवल दो गड्ढे थे मुद्रा ऐसी जैसे किसी वस्तु को देखकर आकृति बुरी तरह से डर गई हो जीप बाहर निकली हुई वह आकृति बेहद विशाल और डरावनी थी सिर का अगला बाग ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा कटोरा रख दिया हो उसके कटोरे से सिर में निरंतर आग की लपटे लपलपा रही थी मानो वहाँ से कोई मशाल प्रज्वलित हो उस राक्षसी आकृति के पीछे उस अंधेरे बाग में एक साया सा लहराता प्रतीत हो रहा था नंबर सैंतीस अचानक आकृति के पीछे उस अंधेरे से निकली आवाज़ के हाल ने छाए सन्नाटे को चीर कर रख दिया जिस तरह तुम नहीं जानते कि तुम्हारे चारों ओर खड़े हुए ये नकाब पोश कौन है इसी तरह ये भी नहीं जानते कि तुम कौन हो और तुम्हें एक बार फिर बता दूँ कोई भी क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी के बारे में जानने की कभी चेष्टा न करें जो ऐसा प्रयास करेगा वह क्रांति के देवता की नज़रों से नहीं बच सकता और क्रांति दल के नियमों के मुताबिक एक दूसरे के विषय में जानने का प्रयास करना अपराध है आप लोग एक दूसरे को केवल नंबरों से पुकारना यू समझे कि आपका नंबर ही आपका नाम है यह प्रभावशाली आवाज कुछ क्षण सांस लेने के लिए रुकी इस बीच वहां मौत का सन्नाटा रहा फिर वही आवाज़ गूंजी नंबर सैंतीस तुम हमारे क्रांति दूत में सब कुछ बता दिया है तुम्हारे विषय में इस समय हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि तुम्हारे विषय में कुछ कहना तुम्हारा परिचय होगा और यहाँ किसी का भी परिचय नहीं दिया जा सकता अगर तुम इस देश की आज़ादी के लिए लड़ना चाहते हो तो अंगारों की उस सड़क पर चलते हुए उस आकृति तक पहुँचो सुपर रघुनाथ ने एक नज़र शोलो की उस सड़क पर दौड़ाई फिर बोली क्या मैं जान सकता हूँ यह आकृति किसकी है यह आकृति इस स्टेट के निवासियों का एक देवता है इस स्टेट के बच्चे बच्चे की इसमें दृढ़ आस्था है यह कहा जाता है कि इसको आधार बनाकर अगर किसी कार्य को शुरू किया जाए तो निश्चित रूप से उस कार्य में सफलता हासिल होती है इसे यहाँ मनसा देवता कहा जाता है लेकिन हर क्रांतिकारी शोलों पर चलता हुआ क्रांति के देवता तक पहुँचता है क्रांति के देवता की इस आकृति के सिर पर अग्नि की जो लोह है वहाँ अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली का खून चढ़ाना होता है और वहाँ अपने नन्हे देश के प्रति कुछ कसम लेनी होती है थैंक यू रघुनाथ ने कहा और अपना दाया पैर शोलों की सड़क पर रख दिया उसके दोनों पैर इस समय नंगे थे शोलों पर पैर रखते ही उसका तलवा जैसे एकदम जुलस गया वास्तव में शोले बेहद खतरनाक ढंग से तहक रहे थे रघुनाथ का दिल चहा कि वह शोलों की इस धरती से पाँव खींच ली ले। लेकिन तभी उस हाल में देशभक्तिपूर्ण एक धुन गूंजने लगी न जाने उस धुन में ऐसा क्या था कि उसे सुनते ही रघुनाथ के जिस्म का रोया रोया खड़ा हो गया उस धुन पर निम्न पक्तियाँ भी गूंजी कफन बन जाए हम वतन के लिए जंगे आजम हमारा लक्ष्य हो इसी तरह की देशभक्तिपूर्ण पंक्तियाँ वहाँ गूंजने लगीं रघुनाथ का सारा जिस्म जोश में भर गया भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के चेहरे उसके सामने उभर आए और उसने बेधड़क होकर अपना बाया पैर भी अंगारों की धरती पर रख दिया पैर एकदम जल गया लेकिन जिसके जहन में आज़ादी की भावना हिलोरे ले रही हो उसके लिए अंगारों पर चलना फूलों के चलने पर बराबर होता है जहन में जंगे आज़ादी का जलवा लिए रघुनाथ शोलों की धरती पर बढ़ता ही चला गया वह शोलों की धरती पार करके क्रांति के देवता की आकृति तक पहुंच गया आकृति के पास एक चाकू था रघुनाथ ने चाकू उठाया अपने बाएं हाथ की कन की उंगली में गाव कर लिया उसकी उंगली आगे कर दी और गाढ़े खून की बूंदें क्रांति के देवता की सिर में जलती हुई आग पर गिरने लगी मिस्टर सैतीस आवाज गूंजी जलती हुई आग में हाथ डालकर वह बोलो जो हम बोलते हैं यंत्र चलित से रघुनाथ ने आग में हाथ डाल दिया बोलो वह आवाज़ उभरी आज से और अभी से मैं खुद को जंग आज़ादी के लिए न्यौछावर करता हूँ मैं क्रांति के देवता की सौगंध खाता हूँ कि जब तक मेरा देश आज़ाद नहीं हो जाएगा तब तक मैं चैन नहीं लूँगा इस प्रकार रघुनाथ की कसम खिलाई गई इस सब क्रिया के बाद उसे एक कमरे में ले जाया गया उस कमरे के सामने ही वह सुनहरे लिबास वाला इंसान खड़ा हुआ था उसका सारा जिस्म चुस्त सुनहरे लिबास में लिपटा हुआ था चेहरे पर सुनहरा नकाब था उसके सीने वाले भाग पर खून जैसे लाल सुर्ख अक्षरों में लिखा था क्रांति का देवता खुद ब खुद सम्मानजनक ढंग से रघुनाथ की गर्दन चुग गई मियाँ काले लड़के विजय का दिमाग जब सोचने समझने लायक हुआ तो वह बोला आखिर तुम कहना क्या चाहते हो मेरी भी खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है ब्लैक बॉय बराबर रैना के गले में पड़े हुए उस लॉकेट को घूटता हुआ बोला मैं केवल इतना जानता हूँ जो लॉकेट मैं रैना के गले में देख रहा हूँ वैसा ही लॉकेट उस समय से मैं अपने गले में देख रहा हूँ जब से मैंने होश संभाला है इसका क्या मतलब हुआ विजय की खोपड़ी जैसे हवा में तैर रही थी लगता है आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कहते हुए ब्लैक बॉय ने अपने गले से ठीक वैसा ही एक लॉकेट उतार लिया और साथ ही उसे खोल भी दिया वह लॉकेट भी रेना के गले में पड़े लॉकेट के बाद ही खुल गया उसमें भी दोनों और उसी बूढ़े और बूढ़ी औरत की तस्वीर थी विजय ने ध्यान से देखा लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वह उन दोनों लॉकेट के अंदर अंतर ना ढूंढ सका दोनों लॉकेट बिल्कुल एक से थे उनमें जो दो चित्र थे वे भी एक से ही थे काफ़ी देर तक विजय तीक्ष्ण दृष्टि से उसका निरीक्षण करता रहा फिर बोला प्यारे काले लड़के लगता है किस्सा लंबा है मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है सर कि ये लॉकेट अब मेरी समझ में आ रहा है प्यारे विजय बोला हमारी बुद्धि के द्वार अब सिम सिमसिम की तरह खुल गए हैं प्यारे मुझे आज अपनी बुद्धि पर इसलिए तरस आ रहा है कि मैंने आज तक तुमसे क्यों नहीं पूछा कि तुम्हारे माँ बाप कौन है तुम कहाँ रख के रहने वाले हो सीक्रेट सर्विस में तुम किस प्रकार आए रेना बाबी के विषय में मैं केवल इतना जानता हूँ कि वे एक निर्धन परिवार से संबंधित है वे अपने बूढ़े माता पिता की एकमात्र लड़की है रघुनाथ मेरे साथ पढ़ता था हमारे बापूजान को उसे बहुत पसंद करते थे मेरा भी वह सबसे प्यारा दोस्त था क्योंकि वह मेरा एक ऐसा दोस्त था जो स्टूडेंट लाइफ से ही मेरी जगचकियों की कदर करता था हम दोनों ने एक ही साथ अपनी शिक्षा समाप्त की मगर हमारे दिमाग पर तो जासूस बनने का भूत सवार था हम अमेरिका जेको ग्रुप से जासूसी ट्रेनिंग लेने चले गए उसके बाद सीक्रेट सर्विस में पहुंच गए तुला राशि को खुद हमारे पूज्य डैडी ने पुलिस की नौकरी दिलवाई और खुद ही तुला राशि की शादी रैना से करवाई लेकिन इन बातों से इस लॉकेट से क्या संबंध यही तो हमारी बुद्धि में नहीं आ रहा है प्यारे कि रहना और तुम्हारे गले में एक से लॉकेट की क्या मतलब मैं खुद कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ सर ब्लैक बॉय बोला हम और आप एक लंबे अरसे से साथ हैं लेकिन ना तो कभी आपने मुझसे यह जानने की चेष्टा की कि सीक्रेट सर्विस में आने से पूर्व मेरा पिछला जीवन क्या था और न ही मैंने कभी खुद बताने की चेष्टा की इसका कभी मौका ही नहीं आया प्यारे काले लड़के विजय बोला सीक्रेट सर्विस में आने वाला प्रत्येक एजेंट सबसे पहले यही कसम खाता है कि उसका जीवन केवल देश के लिए समर्पित है उसे अपने परिवार भाई बहन माता पिता इत्यादि से कोई संबंध नहीं है हम देशभक्ति में इतने लीन रहे कि न तो कभी एक दूसरे के विषय में पूछने का ध्यान रहा और नहीं आवश्यकता समझी लेकिन अब लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं है सर ब्लैक बॉय बोला मुझे तो केवल इतना पता है कि जब मैंने होश संभाला तो खुद को विश्वास नामक एक इंसान के पास पाया इस इंसान ने मुझे पाला था विश्वास भट्ट विजय ने चौक कर नाम दोहराया इस नाम का आदमी तो शायद हमसे पहले भारतीय सीक्रेट सर्विस का चीफ था यस सर ब्लैक बॉय बोला मैं जानता हूँ कि आप उन्हें सूरत से नहीं बल्कि नाम से जानते हैं क्योंकि सीक्रेट सर्विस की पुरानी फाइलें उनके नाम से भरी पड़ी हैं आपसे पहले वही सीक्रेट सर्विस के चीफ थे एक दिन देश की सेवा करते हुए वे, वे दुश्मनों के देश में उनकी गोली का शिकार हो गए क्या विश्वासभट तुम्हारे पिता थे नहीं सर ब्लैक बॉय ने कहा विश्वासभट मेरे पिता नहीं थे उन्होंने केवल मुझे पाला था वे हमेशा यही कह करते थे उन्होंने एक दिन मुझे शहर के एक गंदे गटर से उठाया था उन्होंने उसी समय बहुत चेष्टा की कि पता लग जाए कि मैं किसका बच्चा हूँ लेकिन कुछ पता नहीं लग सका विश्वास भट्ट ने अपना परिवार छोड़ दिया था और शादी भी नहीं की थी लेकिन जब मेरा कोई वारिस नहीं मिला तो उन्होंने मुझे पालना पोसना शुरू कर दिया मैं कभी जान नहीं सका कि विश्वास भट्ट क्या काम करते थे जब मैंने होश संभाला तब से विश्वास भट्ट बत यही बताते चले आए कि यह लॉकेट उस समय से मेरे गले में था जब मैं उन्हें गटर में से मिला था बाद में जब मेरी शिक्षा समाप्त हुई तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसे ढंग से सीक्रेट सर्विस में पहुंचाया कि मुझे मालूम ही नहीं हो सका कि विश्वासभट ने ही मुझे कुछ सीक्रेट सर्विस में पहुंचाया है सीक्रेट सर्विस के चीफ ने मुझे खुद पर हिदायत दी थी कि अन्य किसी की तो बात तो दूर खुद विश्वासभट को भी यह पता नहीं लगना चाहिए कि तुम सीक्रेट सर्विस के हो चुके हो सीक्रेट सर्विस के चीफ ने मुझे आदेश भी दिया था कि देश सेवा के लिए अब मुझे विश्वास को छोड़कर अलग रहना होगा मैंने विश्वास को छोड़ा तो उन्होंने मुझे खूब रोका लेकिन नहीं रुका बाद में वे मुझसे यह कह कहकर घृणा तक करने लगे कि बचपन में उन्होंने मुझे पाला और लायक बनते ही मैं उन्हें छोड़कर चल दिया मुझे बहुत दुख हुआ लेकिन बताता क्या अंत में उन्होंने मुझसे स्वयं ही झगड़ा कर लिया और मेरे उनके हमेशा के लिए संबंध विच्छेद हो गए मुझे उनकी स्थिति पर बहुत दुख हुआ था लेकिन मैं क्या जानता था कि सीक्रेट सर्विस के चीफ के रूप में मुझे यह आदेश देने वाले भी विश्वास थे जब वे दुश्मनों के देश में वीरगति को प्राप्त हो गए तो खुद गृहमंत्री ने मुझे अपने प्राइवेट रूम में बुलाकर यह बताया कि विश्वास भट्टी सीक्रेट सर्विस के चीफ थे उन्होंने ही खुद मुझे अपने से अलग कर दिया था ताकि मैं बिना किसी बंधन के देश की रक्षा कर सकूं? उस दिन मैं सबसे बुरी तरह चौका था और ये सोचने पर विवश हो गया था कि विश्वास पर जैसे रहस्य मैं देशभक्त हिंदुस्तान में कितने होंगे उसका मतलब तो यह हुआ प्यारे लड़के कि तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में कुछ पता नहीं मुझे जो अपने बारे में मालूम था वह सब संक्षेप में आपको बता दिया ब्लैक बॉय बोला आज ऐसा लॉकेट रेना के गले में देखकर मैं चकित हूँ तुम तो केवल चकित हो प्यारे विजय बोला लेकिन अपना तो बेजा ही बाहर आने के लिए कह रहा है खैर मेरे ख्याल से पहले यहाँ से दुम दबाकर भागें क्योंकि सुबह होने वाली है और हो सकता है इस बार यार लोगों के साथी हमें यहाँ घेर न लें, उनका संकेत अपने चारों ओर पड़े हुए सैनिकों की ओर था पूर्व से सुबह की ललिमा फैल गई थी तभी वहाँ गुलफाम भी पहुँच गया विजय एकदम उससे बोला गुलफाम प्यारे जरा जीप स्टार्ट करो कहते हुए उसने खुद रेना के जिस्म को कंधे पर डाला और अगले पाँच मिनट के पश्चात ही वे तीनों जीप में बैठे जंगल में तेजी के साथ गुजर रहे थे रेना का घायल जिस्म बेहोश जिस्म जिस्म जीप की रेना का घायल और बेहोश जिस्म जीप की पिछली गद्दी पर पड़ा था विजय और ब्लैकबॉय का दिमाग न जाने कहाँ विचरण कर रहा था वे काफ़ी दूर निकल चुके थे किंतु जंगल था कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था उस समय सुबह के छः बजे थे जब सूर्य देवता ने अपना मुखड़ा दिखा दिया था न जाने क्यों आज विजय को यह सूरज फीका सा लगा दिन का प्रकाश फैलता जा रहा था गुलफाम प्यारे विजय बोला अब हमारा इस स्टेट पर यूं आवारा गर्दी करना उचित नहीं है क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो अपना बंटादार हो जाएगा फिर तो छुपने की जगह ढूंढी जाए मास्टर गुलफाम ने कहा तुम्हारे बच्चे जिए प्यारे गुलफाम विजय एकदम बोला मानना पड़ेगा तुम हमारी सौबत में आकर काफ़ी समझदार हो गए हो इस प्रकार वे जंगल में खुद को छुपाने के लिए कोई उपयुक्त स्थान खोजने लगे अंत में उन्हें जंगल के बीच बना एक टूटा फूटा खंडर मिल गया सतर्कता का दामन थामकर वे उसमें प्रविष्ट हो गए विजय ने अंदर से उसकी स्थिति देखकर अनुमान लगाया कि वह खंडर किसी जमाने में शिकार गा रहा होगा उसका अनुमान था वह किसी शिकारी राजा ने अपने लिए बनाया था विजय को उस खंडर के इतिहास से इतनी अधिक दिलचस्पी नहीं थी उसे केवल आज का दिन बिताने के लिए सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी वह खंडर अब सुरक्षित नहीं था तो उचित अवश्य ही था विजय ने उसके एक टूटे फूटे धूल भरे कमरे में डेरा जमा दिया गुलफाम को उसने खंडर के बाहर पहरा देने के लिए भेज दिया उसने खास हिदायत दी थी अगर कोई भी खतरा हो पहले उन्हें सूचित करे गुलफाम बाहर चला गया इधर कुछ देर पश्चात रेना के मुंह से हल्की सी करा निकली विजय और बॉय का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया रेना, रेना होश में आ रही थी आंख बंद किए ही वह बहुत धीरे से बुदबुदाई। पानी पानी मर गई हमारी नानी विजय ने एकदम तुख जोड़ी यानि कि प्यारे काले लड़के अब यहाँ जंगल में पानी कहाँ से पैदा किया जाए ब्लैक बॉय सोच में पड़ गया इधर रेना बराबर करा रही थी रह रह कर पानी मांग रही थी कि एकाएक विजय उछल पड़ा और चीखा वो मारा साले पापड़ वाले को यानी कि पानी मिल गया कहाँ है सर ब्लैक बॉय ने चौंक कर कहा जीप में पानी जरूर होगा विजय बोला जल्दी से बहुत से रहस्य सामने आएंगे लेकिन सर जीप के पानी में तो पेट्रोल की बदबू अबे तुम उस बदबू की चिंता मत करो प्यारे काले लड़के विजय कहता ही चला गया जिस तरह भूख में किवाड़ भी पापड़ लगते हैं उसी तरह प्यास में पेंट्रोल की बदबू भी उसकी खुशबू लग सकती है इस तरह ब्लैक बॉय बाहर जाकर एक टीन के डब्बे में पानी ले आया विजय ने रेना का सिर अपनी गोद में रखकर पानी उसके मुंह में डाला अगले कुछ ही क्षणों में रेना ने आंखें खोल दी भुझे बुझे-बुझे नेत्रों से विजय की ओर देखा और अब उसने विजय को पहचाना तो उसके मुंह से एकदम निकला भैया रेना विजय से लिपट गई चिंता मत करो भाभी तुम हमारी शरण में हो कुछ देर पश्चात रेना की स्थिति बात करने के काबिल हुई उसकी शारीरिक स्थिति बेहद खराब थी सारा चेहरा खून से पुता पड़ा था जिसम पर जगह जगह चोटों के निशान थे सबसे गहरा गाँव उसकी पीठ में था जहां चाकू लगा था चाकू तो विजय पहले ही निकाल चुका था विजय भैया आप यहां कैसे रैना ने कहा हमारी कुछ मत पूछो भाभी अधिकांश लोगों की अब तक हमसे यही शिकायत रही है कि हम बिना किसी परमिट के कहीं भी उपस्थित हो जाते हैं लेकिन तुम यह बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो इस रूप में हम तुम्हें पहली बार देख रहा है। विजय बोला यह सुनते ही रेना के खूबसूरत मुखड़े पर एकदम भयानकता उभर आई उसकी आंखें लाल हो उठी और शून्य में टिक गई वह एकदम पागल सी होकर गुर मैं मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं उन्हें खाक में मिला दूंगी कहते कहते जोश में वह खड़ी होने लगी परंतु विजय ने उसे पकड़ लिया और बोला घबरा मत रेना भाभी अब हम आ गए हैं बोलो चक्कर क्या है यह कहते हुए विजय ने ब्लैक बॉय को संकेत के आदेश दिया कि वह अपना लाकेट खोलकर बाहर लटका ले ब्लैक बॉय ने ऐसा ही किया इससे पूर्व रेना कुछ बोले विजय ने कहा इनसे मिलो भाभी यह मेरा दोस्त है वह अभी इतना ही कह पाया था कि रेना की दृष्टि ब्लैक बॉय की ओर उठ गई लेकिन उससे पहले ही लॉकेट इस ढंग से लटकाया था कि रेना की दृष्टि सीधी लॉकेट पर जाकर ठहरे उसके गले में वह लॉकेट देखते ही रेना एकदम उछल पड़ी चौककर उसने अपने गले में पड़ा लॉकेट देखा उसे अपने स्थान पर पाकर वह और भी बुरी तरह से चौंकी एकदम बोली आप आप पर यह लॉकेट कहाँ से आया मेरे पास तो यह बचपन से है ब्लैक बॉय झट से बोला लेकिन आप पर बचपन से कहकर वह प्रसन्नता मिश्रित आश्चर्य से उछल पड़ी आपके पास यह बचपन से है आप सच कह रहे हैं जी हाँ मैं सच कह रहा हूँ ब्लैक बॉय बोला यह मेरे पास बचपन से है भैया रेना एकदम चीखी इसके पूर्व कि विजय अथवा ब्लैक बॉय कुछ कहता, वह ब्लैक बॉय से लिपट गई पागलों के बाति वह चीखी तुम मेरे भैया हो मेरे भैया तुम खो गए थे चौक कर विजय ने ब्लैक बॉय की ओर देखा ब्लैक बॉय की आंखों में भी हेरत के भाव थे दोनों की पार्वती ने दहकती हुई अंगिटी का हैंडल पकड़ा और झटके के साथ उठा ली सुरंग निरंतर कदमों की आह से गूंज रही थी ठाकुर साहब के हाथ में दहकता हुआ चाकू था दोनों ने फुर्ती के साथ एक दूसरे के सामने सुरंग में दाएं बाएं पोजीशन ले ली तभी सुरंग के मोड़ पर घबराते हुए सैनिक मुड़े उनमें से आगे एक अमेरिकन था ठाकुर साहब उसे पहचानते नहीं थे वैसे वह माइक था जैसे ही वह मोड़ पर घूमे ठाकुर साहब और पार्वती ने गजब की फुर्ती का परिचय दिया पलक झपकते ही निर्भय सिंह के हाथ में दबा चाकू खत से एक सैनिक के चेहरे में घुस गया अन्य सैनिक संभले ही थे कि पार्वती ने दहकते कोलों की अंगूठी उधर घुमा दी दहकते हुए पत्थर के कोले उन सैनिकों के ऊपर जा गिरे सैनिक एकदम बौखला गए इधर माइक ने ठाकुर अभय सिंह को पहचान लिया था वह निर्भय सिंह सिंह को को अभय समझा और अपने आप दहकते से बचाने की चेष्टा करता हुआ चीखा इन्हें मारना नहीं है जिंदा गिरफ्तार करो तब तक तो पार्वती खाली परंतु गर्म अंगीठी एक सैनिक के सिर पर मारकर उसे आतिशबची का कमाल दिखा चुकी थी उधर निर्भय सिंह का दहकता हुआ लाल चाकू खून से पुतकर और भी लाल हो गया था बिजली किसी गति से निर्भय सिंह का हाथ चल रहा था निर्भय सिंह बचपन से ही शेणी का दूध पिए हुए थे अपने जमाने के वे भयानक दस्यु थे अपने ज़माने के दिक्कत जासूस भी थे पलक झपकी भी नहीं कि निर्भय सिंह ने चार सैनिकों के चेहरे अपने चाकू से फाड़ दिए ठाकुर ने उन्हें कत्ल करने में कोई रहम नहीं बरता था अभी वह पाँचों सैनिकी ओर झपटे ही थे कि एक फायर की आवाज के साथ सुरंग गूंज उठी गोली सीधी ठाकुर निर्भय सिंह के दाएं पैर में लगी और वह त्योरा कर गिर पड़े यह फायर माइक ने किया था यह देखते ही पार्वती ने अंगीठी घुमाकर माइक के सिर पर मारी माइक का सारा ध्यान ठाकुर साहब की ओर था अंगिठी सिर पर लगते ही माइक चकराया इतना अवसर मिलते ही निर्भय सिंह इतनी चोटों के बावजूद भी किसी खतरनाक चीते के बाति लटके और एक सैनिक की गर्दन पकड़कर अपने पोलाजी पंजे में दबा दी पार्वती फुर्ती के साथ माइक पर झपटी, लेकिन माइक फिर भी माइक था इस बीच वह खुद को संभाल चुका था उसने पार्वती को हाथों पर रोका और एक जबरदस्त गुस्सा उसके जबड़े पर रसीद कर दिया गुस्सा इतना शक्तिशाली था कि पार्वती की चीख निकल गई वह पीछे जा गिरी इससे पूर्व कि वह कुछ समझ सके तीन चार सैनिकों ने अपनी टॉमी गनों की नाले उसके जिस्म से चिपका दी उधर एक सैनिक ठाकुर निर्भय सिंह के फोलादी बंधनों में छटपटा रहा था कई सैनिकों ने टॉमी गन की नाल उसके जिस्म से भी चिपका रखी थी लेकिन निर्भय सिंह को उनकी जैसे कोई चिंता ही नहीं थी माइक तेजी के साथ जपटा और अपने रिवॉल्वर की नाल निर्भय सिंह की कंपट्टी से सटा कर स्वर में गुर्राया उसे छोड़ दो ठाकुर अभय सिंह उधर निर्भय सिंह समझ गए यह आदमी अभी तक उसे अभय सिंह समझे हुए हुए उन्होंने एक झटके के साथ सैनिक की गर्दन छोड़कर अपना हाथ बिजली की सी गति से पीछे घुमाया माइक का रिवॉल्वर दूर जा गिरा निर्भय सिंह झपट माइक से लिपट गए तभी सैनिक उन पर झपटे लेकिन माइक ने एक जबरदस्त भूसे से निर्भय सिंह को उछाल एक और फेंक दिया निर्भय सिंह दूर जा गिरे सैनिक उन्हें कब्जाने के लिए जपटे लेकिन तभी माइक गुर्रा उठा ठहरो ये सब एक साथ ठिठक गए ये यहाँ के महाराजा अभय सिंह माइक अभय सिंह को घूरता हुआ बोला सुना है कि ये काफी शक्तिशाली हैं। मैं इनसे टकरा कर इनकी शक्ति देखना चाहता हूँ दो लोग दो गोली लगने के बाद भी निर्भय सिंह आश्चर्यजनक रूप से उछल खड़े हो गए मुझे माइक कहते हैं माइक बोला ठाकुर निर्भय सिंह के विवेक को एक झटका सा लगा वे जानते थे माइक अमेरिका का माना हुआ जासूस है, खुद को वह इससे टकराने के लिए तैयार करने लगे सुना है तुम काफी शक्तिशाली हो माइक बोला वैसे मानते हैं तुम्हारे बारे में ठीक ही सुना है क्योंकि दो गोलियां लगने के बाद इतनी फुर्ती से लड़ने वाले इंसान बहुत कम हैं और जिस फुर्ती से तुमने चार सैनिकों का कत्ल किया है वास्तव में वह वा तुम्हारी शक्ति फुर्ती और साहस का परिचय है अपने जीते जी तुम्हें कभी अपने देश पर जमने नहीं दूंगा ठाकुर निर्भय सिंह उसकी आंखों में आंखें डालकर गुर्राए हम तुम्हें मारना चाहें तो एक पल में मार सकते हैं अभय सिंह है। माइक बड़े रहस्यमय ढंग से, से मुस्कुराता हुआ बोला लेकिन अभी तुमसे बहुत से रहस्य जानने हैं मुझसे ये सारी उम्मीदें लगाना छोड़ दो निर्भय सिंह गुर्राए मुझसे तुम कोई रहस्य नहीं जान पाओगे और मर्द हो तो मुझसे अकेले लड़ो लगता है तुम बेवकूफ़ हो माइक मुस्करा कर बोला मैं इसलिए तुम्हारे सामने खड़ा हूँ बस माइक का इतना कहना था और ठाकुर निर्भय सिंह का खून खोल उठा उसके जिस्म में शेणी का खून दौड़ रहा था किसी भी अपशब्द पे वे बहुत जल्दी क्रोधित हो उठते थे माइक द्वारा अपशब्द कहते ही उन्हें क्रोध आ गया और किसी चीते के बाति झपट कर उन्होंने माइक पर जंप लगा दी परंतु माइक आखिर माइक था लड़ने में अनेक तरीके उसे मालूम थे अमेरिकन सीक्रेट सर्विस का वह सबसे दिग्गज और खुखार जासूस समझा जाता था उस समय तो वह वैसे ही लड़ने के मूड में था ठाकुर साहब के झपटते ही वह न केवल अपने स्थान से थोड़ा हट गया बल्कि पेतरा बदलकर एक जोरदार ठोकर ठाकुर साहब के चेहरे पर रसीद दी चीख कर ठाकुर निर्भय सिंह दूसरी ओर गिरे लेकिन ठाकुर निर्भय सिंह भी लड़ने के अनेक तरीकों के से वाकिफ थे बड़े बड़े डाकुओं ने उन्हें पैतरे सिखाए थे शेरनी के साथ बचपन गुजारने वाले ठाकुर साहब को इस समय केवल यह देखा कि वे पत्थरों पर गिरे लेकिन यह कोई भी नहीं देख सका कि वे किस प्रकार खड़े हुए उनके जिस्म का कौन सा हिस्सा माइक की कनपट्टी से टकराया सब ने केवल यह देखा कि चीखता हुआ माइक दूर जा गिरा इतने पर भी माइक भी बेहद फुर्ती के साथ जपटा उसी पर ठाकुर निर्भय सिंह का जिस हवा में लहराया और उनके दोनों पैर माइक की छाती पर पड़े माइक आश्चर्य के सागर में डूबता हुआ धड़ाम से पत्थरों पर गिरा निर्भय सिंह ने फुर्ती के साथ उस पर जंप लगा दी लेकिन इस बार वे मात खा गए क्योंकि एक झटके के साथ माइक अपने स्थान से दो तीन करवटें बदल चुका था ठाकुर साहब मुंह के बल फर्श से टकराए और माइक के माइक ने पुनः दो तीन करवटें वापस लेकर ठाकुर साहब को दबोच लिया इस बीच माइक समझ चुका था यह इंसान भी लड़ाई की विद्याओं का पूर्ण ज्ञाता है इसलिए वह अब उसे संभालने का अवसर नहीं देना चाहता था उसने ठाकुर साहब को दबोच कर एक जोरदार गुस्सा उनके चेहरे पर मारा ठाकुर साहब के कंठ से चीख निकल गई लेकिन अगले ही पल ठाकुर साहब ने अपने दावों का एक और अन्य नमूना पेश कर दिया माइक केवल इतना महसूस कर सका कि उन्होंने अपनी कोहनी का वार उनके पेट में किया वार से माइक को दर्द से बिलबनाना तो साधारण सी बात थी लेकिन असाधारण सी बात यह थी कि माइक हवा में उछल गया और इस समय ठाकुर साहब ने हेरत अंगेज कर देने वाली फुर्ती का प्रदर्शन करके उसे हवा में एक ही गुस्सा जमाया नीचे आता हुआ माइक पुनः उछल गया ठाकुर निर्भय सिंह ने पुनः वही करिश्मा दिखाया इस बार वह ऊपर से नीचे नहीं आया बल्कि हवा में ही किसी तक्ष नट के बाति एक कलाबाजी खाकर दूर जा गिरा और जब तब तक ठाकुर साहब उस पर जपटे वह उछल कर न केवल खड़ा हो गया बल्कि फोलादी गुस्सा उनकी नाक पर मार दिया निर्भय सिंह दूसरी ओर उड़क गए तभी माइक ने एक ठोकर उनके पेट पर रसीद कर दी माइक जान चुका था कि अब इस इंसान को अवसर देना मौत को दावत देना है अंत अभी ठाकुर साहब खड़े होकर संभल भी ना पाए थे कि टक तक, उनकी टक्कर उसके चेहरे पर पड़ी उसके कंठ से चीख निकल गई और वे दूसरी बार उलट गए माइक ने उन पर जंप लगा दी और बस माइक यहीं धोखा खा गया वह जंप लगाना ही उसकी उस लड़ाई में मानो सबसे बड़ी भूल थी ठाकुर साहब ने उसे हाथों पर रोक लिया और फिर उसके संपूर्ण जिस्म को किसी खिलौने के बाती अपने सिर के ऊपर उठा लिया और इससे पूर्व की कोई कुछ समझ पाए उन्होंने माइक को पथरीली धरती पर पटक कर मारा माइक के कंठ से चीख निकल गई उसने फुर्ती से उठना चाहा, परंतु ठाकुर साहब की एक ही ठोकर ने उसे दूर फेंक दिया उसने फिर उठना चाहा, मगर तब तक ठाकुर साहब अपनी दूसरी ठोकर मारकर उसे दूसरे स्थान पर उछाल चुके थे यही क्रम लगातार पांच बार हुआ माइक जवाब दे गया जैसे ही माइक पांचवी ठोकर के साथ दूर गिरा वहीं पड़ा पड़ा व चीखा इसे गिरफ्तार कर लूँ उसके आदेश की देर थी एक साथ पांच टॉमीगनों की नाले ठाकुर निर्भय सिंह के जिस्म में भिन्न भिन्न स्थानों पर चिपक गई बिजली किसी गति से चलते हुए ठाकुर साहब के हाथ रुक गए वैसे वहाँ उपस्थित सभी व्यक्ति ठाकुर साहब के इन करिश्मे पर चमक थे माइक को परास्त करने वाले कोई विरले ही लोग हो सकते हैं और सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यही थी कि दो गोली लगी होने के बावजूद भी निर्भय सिंह इस ढंग से लड़े थे मानो पूरी तरह स्वस्थ हो माइक उछलकर खड़ा हो चुका था उसके खून से लथपथ चेहरे के सामने खड़े ठाकुर की ओर देखा ठाकुर साहब की आंखें जैसे आग बरसा रही थी नथुने क्रोध से फड़क रहे थे चेहरे पर पशुदा जैसे बाव थे उसे घूरते हुए कुखार स्वर में गुर्राए क्यों अकेला मुकाबला करने की ताकत नहीं कुत्ते मानता हूँ कि तुम शक्तिशाली हो और लड़ने के अच्छे तरीके भी जानते हो मुस्कुराकर कहता हुआ माइक उनकी ओर बढ़ा तेरी हिम्मत की भी दाद देती हूँ विदेशी शुअर विदेशियों के कब्जे में जकड़ी पार्वती गुर्राई तूने इतनी देर तक इनका मुकाबला किया वरना वरना याद रख ये शेनी के बच्चे हैं इंसानों को चीर फाड़ कर खाने में दो मिनट भी नहीं लगाते लाल हो गया माइक का चेहरा क्रोध से बुनबुना उठा जबड़े एक दूसरे पर शक्ति के साथ जम गए वह क्रोधित अवस्था में आगे बढ़ता हुआ बोला अभी पता लग जाएगा कौन शेरनी का बच्चा है कहते हुए ठीक ठाकुर साहब के सामने आते ही माइक ने लोहे युक्त अपनी बेल्ट खींच ली उसकी यह हरकत देखकर ठाकुर की भुजाएं फड़क उठी वे एकदम गुरराय क्यों विदेशी कुत्ते नामर्दी पर उतर आए तेरी जुबान बहुत चलती है हराम जादे क्रोध से बुनबुना कर चीख पड़ा माइक साथ ही उसका हाथ हवा में लहराया और बेल्ट सड़ाक से ठाकुर के जिस्म पर पड़ी कुछ भी कर लो कमीनो इस देश पर तुम हुकूमत नहीं कर सकोगे इस देश का एक एक बच्चा जंगे आजादी की राह में लाशें बिछा देगा अगर तुम हुकूमत करोगे तो लाशों पर सबसे पहली तेरी जुबान काटी जाएगी कुत्ते कहते हुए माइक ने बेल्ट वाला हाथ फिर उठाया और हाथ वापस आना ही चाहता था कि दाएं एक फायर की आवाज से वातावरण कांप उठा गोली सीधी बेल्ट वाले के हाथ में लगी बेल्ट झंझनाकर दूर जा गिरी माइक के कंठ से एक चीख निकल गई सबका ध्यान एकदम उस ओर गया कोई न हिले हिलते ही बेजा फाड़ दिया जाएगा एकाएक एक खतरनाक आवाज गूंजी माइक और उनके सैनिकों के साथ ठाकुर और पार्वती ने भी चौंक कर देखा देखते ही सब हैरत में रह गए उनके चारों ओर लगभग सात नकाबपोश खड़े थे प्रत्येक के हाथ में एक एक रिवॉल्वर था सबके जिस्म पर चुस्त लिबास और नकाब था नकाब में से प्रत्येक की केवल आंखें ही झाँक रही थी सबके सीनों पर चमकीले सफ़ेद अक्षरों में नंबर लिखे हुए थे सब ने देखा उस नकाबपोश का नंबर सैंतीस था जिसके रिवॉल्वर की नाल से अब भी दुआ निकल रहा था कर्जा भी नंबर सैतीस ही था एक पल के लिए तो माइक भी अवाक सा उसे देखता रह गया फिर प्रभावशाली स्वर में बोला कौन हो तुम लोग विदोषियों की मौत है हम नंबर सैतीस आगे बढ़ता हुआ बोला अब अपने अपने हथियार गिरा दो वरना बूंद दिए जाओगे समस्त सैनिकों ने माइक की ओर देखा मानो उसका आदेश पाना जरूरी हो तभी सैंतीस नंबर ने बड़ी बहरहमी के साथ लगातार दो बार ड्रैकर दबा दिया दो गोलियां दो सैनिकों के माथे फोड़ती हुई शहीद हो गई साथ ही उन दोनों सैनिकों को यमराज को सौंप दिया दोनों सैनिक चीखों के साथ गिरे प्रत्येक इंसान काप उठा खुद ब खुद ही सैनिकों के हाथों से टॉमी गने छूट कर पर आ गई नंबर सैंतीस के कोई आदेश भी नहीं दिया कि सैनिकों ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए माइक ने भी पूरी तरह स्थिति समझी और नकाबपोशों का घेराव देखकर वह इसी निर्णय पर पहुंचा कि इस समय टकराना अपनी लाशें बिछवाना है इसलिए उसने भी हाथ ऊपर उठा लिए हालांकि उसके दाएं हाथ में गोली लग जाने के कारण जबरदस्त झटका लगा था ठाकुर अचानक नंबर सैतीस बोला तुम पार्वती को लेकर इधर आ जाओ ठाकुर निर्भय सिंह पार्वती को लेकर नंबर सैंतीस के पीछे आ गए तभी नंबर सैंतीस अपना रिवॉल्वर ऊंचा उठाता हुआ बोला सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे देश में है उसके एकदम बाद सारे नकाबपोश एक साथ बोले देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है और कमाल हो गया इधर से ये पक्तियाँ ख़त्म हुई और पक्तियों की समाप्ति के साथ ही वह हुआ जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी एक साथ सभी नकाबपोशों के रिवॉल्वर कर्ज उठे पलक झपकते ही सनसनाती हुई गोलियों ने हर सैनिक के जिस्म को छलनी कर दिया केवल आधे मिनट के लिए वहाँ फायरिंग और चीखों की आवाज़ गूंजी फिर एकदम सन्नाटा छा गया सुरंग का वह स्थान लाशों से पट गया फर्श खून से सन गया सभी गोलियां ऐसे नाजुक स्थानों पर लगी थी कि किसी को तड़पने तक का अवसर नहीं मिला ठाकुर साहब और पार्वती सन्नाटे में रह गए माइक काप उठा उसने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ये नकाब पोश इतने बहरम होंगे एक ही क्षण में उन्होंने लाशें बिछा दी उसका हलक सूख गया टांगे काँप उठी कदाचित यह माइक के जीवन का पहला अवसर था जब उसने मौत का चेहरा इतना निकट से देखा था वह आदमी पैदा नहीं हुआ जो मौत का चेहरा देखकर काँप न उठे उसने नंबर सैतीस की ओर देखा नंबर सैतीस की लाल आँखें नकाब से बाहर जाग रही थी वह भी माइक को ही घूर रहा था माइक उसकी भयानक आंखों से अधिक देर तक आंखें मिलाने का साहस नहीं कर सका वह माइक की ओर बढ़ता हुआ बोला तुझे इसलिए छोड़ा है अमेरिकन कुत्ते क्योंकि तो तू उनका सरदार है और तेरी मौत इतनी आसानी से हो गई तो तुम विदेशियों को मौत की भयानकता का एहसास क्या होगा मिस्टर सैंतीस अचानक पीछे से ठाकुर निर्भय सिंह बोले यह हम नहीं जानते कि आप लोग कौन हैं लेकिन यह साफ है कि आप हमारे मददगार हैं बकोमत गुर्रा उठा नंबर सैंतीस हम किसी के मददगार नहीं हैं हम तो इन विदेशियों के खून के प्यासे हैं इनके दुश्मन हैं लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ निर्भय सिंह बोले बोलो मेरी बड़ी त्रिविच्छा इच्छा है कि का अंत मेरे हाथों से हो निर्भय सिंह बोले इस बात का विश्वास रखें कि इसका कत्ल इतनी बहरमी से करूँगा कि पूरी अमेरिकन जाति काप उठेगी नहीं नंबर सैतीस ने शक्ति के साथ इनकार कर दिया ऐसा नहीं हो सकता क्रांति के देवता का यह स्पष्ट आदेश थे कि इन जालिमों का अंत क्रांति के देवता के पुजारी ही करेंगे उधर उन लोगों की वार्ता हो रही थी उधर माइक का दिमाग बड़ी तेजी से कार्य कर रहा था उसे लग रहा था ये लोग किसी भी क्षण उसका अंत कर सकते हैं वह तेजी के साथ अपने बचाव का कोई उपाय सोच रहा था अचानक उसे न जाने क्या सूझा उसने बहुत जोर से एक जोरदार कह कहा लगाया सबने चौक कर माइक की ओर देखा माइक किसी पागल के बाति गगन बेदी कह कहा लगा रहा था इस समय माइक के दिमाग में यही आया था कि वह पागल का अभिनय करने लगा हम वह वास्त, वा वास्तव में बड़ी जोर जोर से पागलों के बाति हंस रहा था अपने कह कहों के बीच वह पागलों के बाति चीखा हा 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 मेरे सारे सैनिक मारे गए हा 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 मैं इस देश पर राज्य करूंगा हा 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 यह देश मेरा है मेरे सारे सैनिक मारे गए हा 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 और वह पागलों के बाति इस तरह की हरकतें करने लगा वास्तव में माइक का अभिनय भी कमाल का था सब अवाक से देख रहे थे यह तो किसी को गुमान तक नहीं था कि यह एक अभिनय है लगता है यह पागल हो गया है पार्वती बोली अपने सैनिकों की इस दर्दनाक मौत को यह सह न सका एक नकाबपोश बोल पड़ा जिसके लिबास पर पैंतीस लिखा हुआ था मिस्टर माइक नंबर सैंतीस गर्जा मेरे सामने एक्टिंग नहीं चलेगी रुको वरना गोली मार दूंगा मैं जानता हूँ तुम एक्टिंग कर रहे हो लेकिन माइक इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं था वह आवाज को तोड़ना जानता था वह जान गया था कि इस इंसान ने यह वाक्य आत्मविश्वास के साथ नहीं कहा है बल्कि उसके दिल में केवल शंका है कि संभव है वह पागल ना हुआ हो अतः माइक उसी तरह पागलों जैसी हरकतें करता रहा मानो उसने कुछ सुना ही ना हो नंबर सैतीस ने एक दो बार फिर इसी तरह धमकी दी परंतु माइक नहीं टूटा अंत में नंबर सैतीस ने आदेश दिया इसे गिरफ्तार कर लो सारे नकाब पोस्ट एक साथ रिवॉल्वर जेब में रखकर उसकी ओर लपके सब यही समझते थे कि यह इंसान पागल हो गया है अतः इतने सतर्क भी नहीं थे परंतु नंबर सैतीस अभी तक रिवाल्वर ताने खड़ा था छह नकाबपोस्ट माइक का पर जपटे उसी क्षण एक करिश्मा हुआ पता नहीं माइक ने अपने जिस्म का कौन सा अंग किस ढंग से किसको मारा केवल यह देखा गया कि सारे नकाबपोस्ट चारों ओर हवा में तैरते नजर आए उस एक पल के लिए सारी सुरंग चीखों से गूंज उठी सैतीस नंबर ने माइक पर फायर भी जोक दिया लेकिन चमत्कार कर देने वाले ढंग से माइक का जिसम हवा में चकराया और चकराता हुआ सुरंग के एक मोड़ पर गायब हो गया नंबर सैतीस बड़ी तेजी के साथ उस तरफ जपटा तो सामने माइक बागा जा रहा था सैतीस ने फायर भी किया लेकिन तब तक माइक सुरंग के अन्य मोड़ पर घूम चुका था उसके बाद नंबर सैतीस को माइक नहीं चमका जैसे ही वह एक अन्य मोड़ पर घूमा उसके सामने एक बूढ़ा आ गया उसकी स्थिति में से उसकी आयु किसी भी प्रकार नब्बे से कम नहीं लग रही थी पमान के बाति कमर झुकी हुई थी चेहरे पर नाभि को स्पर्श करती हुई सफेद दाढ़ी सारा चेहरा सफेद सफ़ेदों के नीचे छिपा हुआ था सिर पर लंबे लंबे बाल थे जिसम पर मेले कुचेले कपड़े थे नंबर सैंतीस एकदम ठटक गया कौन हो तुम वह घर उत्तर में बूढ़े ने अपने बाएं हाथ के दाएं पैर को घुटना खुजाना शुरू कर दिया उसकी यह हरकत देखते ही नंबर सैतीश की आंखें आश्चर्य में उबल पड़ी उसके मुंह से बरस भर ही निकल पड़ा क्रांति के देवता वह अब नहीं मिलेगा उस बूढ़े की आवाज़ में कमाल की गर्जना सी थी तुम लोग ठाकुर और पार्वती को हमारे पास लाओ जैसी आज्ञा सर नंबर सैतीस ने कहा तुम जा सकते हो बूढ़े ने आदेश दिया नंबर सैंतीस एकदम गुम गया और वापस जाने लगा उसके दिमाग में रह रहकर यही तीन शब्द टकरा रहे थे क्रांति का देवता क्रांति का देवता क्रांति का देवता स्टीमर पर विस्फोट होने के बाद पारो राधारमणी महाराजा अभय सिंह और पागल महाराजा भानु प्रताप सिंह का क्या हुआ पागल महाराज भानु प्रताप सिंह क्या सचमुच पागल थे या, या कोई दुश्मनों की चाल थी पागल भानु प्रताप को कैसे मालूम था कि स्टीमर पर बम गिरने वाला है वह वा सफ़ेद नकाबपोश कौन था जो जबर सिंह को पराजित करके रघुनाथ को बेहोश करके ले गया था और रघुनाथ के होश आने पर खुद को जबर सिंह बताया था पारो किस प्रकार जिंदा बची और अब तक वह गुमनाम जिंदगी क्यों बिताती रही शेरनी का दूध पीकर जवान होने वाले डाकुओं के साय में पलने वाले ठाकुर निर्भय सिंह अपनी माँ का बदला न लेकर भारत कैसे आए और किस प्रकार आईजी के पद पर पहुंचे ठाकुर साहब रैना रघुनाथ और विकास किस प्रकार उस स्टेट में पहुँचे थे जो स्वयं उनकी थी विश्व के सबसे जांबा जासूस विजय का सीक्रेट सर्विस के एजेंटों की बजाय गुलफाम नाम के गुंडे को साथ ले जाने का क्या मकसद था रेना की कमर में घसे हुए चाकू को हाथ में लेकर विजय ने कसम खाई थी कि इस चाकू को चाकू मारने वाले का खून पिलाएगा क्या वह अपनी कसम पूरी कर सका सीक्रेट सर्विस के चीफ ब्लैक और रैना के गले में लटके लोकेट का रहस्य क्या है क्या सचमुची ब्लैक और रैना का खोया हुआ भाई है उसका बचपन में खो जाना मात्र संयोग था या फिर कोई षड्यंत्र अल्फा से जिसके विषय में कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी जेल उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे कैद नहीं रख सकता क्या वह ब्रिटिश जासूस जेम्स पॉन्ड की कैद से आज़ाद हो चुका ऐसे सभी सवालों के जवाब पुष्टों की कमी के कारण इस बाग में नहीं दिए जा सकते इन सब सवालों के जवाब विस्तार पूर्वक जानने के लिए वेद प्रकाश शर्मा का क्रांति सीरीज का रोमांचकारी उपन्यास दूसरी क्रांति सुना ना बोले धनुषंकार ने अपने धनुष की डोरी खींची और धनाक से तीर छोड़ दिया सनाता हुआ बलोच परंतु पतले तार का तीर सीधा एक सैनिक के माथे के बीचों बीच गड़ गया उस सैनिक के मुंह से हल्की सी करा निकली और वह तुरंत तामिगन छोड़कर फर्श पर लुढ़क गया धनुष टंकार इस समय ड्रम की आड़ में छुपा हुआ था उसने बड़ी सतर्कता के साथ अपने चारों ओर देखा उसे जब कोई नजर नहीं आया तो आराम से अपना प्लास्टिक का धनुष कोट की बाहरी जेब में हवाले कर दिया और तुरंत दाई बगल में लटके हुए होलेस्टर से रिवॉल्वर खींच लिया रिवाल्वर संभाल कर बड़ी फुर्ती के साथ वह अपने दोनों पैरों पर दौड़ता हुआ सैनिक के पास पहुंचा वहां सैनिक नहीं था उसका मरा हुआ जिस्म था जिसका जिस्म नीला पड़ चुका था कदाचित वह धनुष्टंकार के विषयुक्त तीर का कमाल था उसे देखकर धनुष्टंकार के होठ अजीब से धारे में सिमट गए उसने लपक कर सैनिक के गाल का एक चुंबन लिया और फिर गैलरी में आगे बढ़ गया तेजी से चलता हुआ वह एक ऐसे कमरे के समीप पहुंच गया जिसमें लाइटें रोशन थीं कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था धनुष्टंकार ने इधर उधर नजरें दौड़ाई और तुरंत एक रोशनदान तलाश करके एक जंप के साथ उस पर पहुंच गया उसके अंदर का दृश्य देखा देखते ही उसकी तबीयत फड़क उठी थी वह जेम्स बॉन्ड को पहचान चुका था इस समय जेम्स बॉन्ड अपने बिस्तर पर था और उसके नीचे एक युवती दबी हुई थी धनुष्टंकार प्रवृत्ति से शराब और औरत का रसिया था उसका दिल चाह कि वो उछल बिस्तर पर पहुंचे और जेम्स बॉन्ड का पत्ता साफ करके खुद मस्ती लूटे अभी यह विचार उसके दिमाग में आया ही था कि हाय बॉन्ड मेरे बॉन्ड धनुष्टंकार ने सोचा क्यों न इनकी बातें ही सुन ले संभव है किसी रहस्य से पर्दा हट जाए अतः वह शांत होकर सुनता रहा मुझे उस फायदे की चिंता नहीं है बॉन्ड प्रीमिया नामक युक्ति ने कहा मुझे तो केवल तुम्हारी चिंता है न जाने तुमने मुझे पर कौन सा जादू कर दिया है मैं तुम्हारी दीवानी हूँ जेम्स तुम्हारे लिए मैं यहाँ आई हूँ वह सब किया लेकिन यह काम जितना आसान तुमने बताया था उतना निकला नहीं अब पता नहीं आगे क्या होगा कुछ नहीं होगा क्रीमिया डार्लिंग तुम यहाँ की राजकुमारी बनोगी मुझे यहाँ की नहीं तुम्हारे दिल की राजकुमारी बनना है जेंस वो तो तुम हो ही ब्रॉन बॉन्ड ने कहा ओ बॉन्ड फीमिया ने जैसे अति प्रसन्न हो उठी तुम कितने अच्छे हो बॉन्ड कितने अच्छे हो तुम कहकर वह बॉन्ड से चिपक गई बॉन्ड भी अपने चरित्र का कमाल दिखाने लगा अब हरकतें धनुष्टंकार की सहन शक्ति से बाहर निकलती जा रही थी अब वे लोग काम की भी बात नहीं कर रहे थे बस आखिर बंदर के दिमाग में खुराफात उभर आई आखिर था तो विकास का ही चेला उसने अपने कोट की भीतरी जेब से माउथ आर्गन निकाला और मुंह से लगाकर उनमें से एक रोमांटिक धुन निकालने लगा चौक पड़ा जेम्स छल कर खड़ा भी हो गया एक जम के साथ ही वह पलंग से नीचे खड़ा था उसके ऊपर से हटते ही धनुष्टंकार ने उस युवती को देखा देखते ही उसकी खोपड़ी घूम गई वह युक्ति अन्य कोई नहीं रहना थी रहना। उसके गुरु विकास की माँ रहना, रहना का चरित्र तो देवी जैसा था फिर फिर यह क्या है रेना का इतना घिनौना रूप टंकार की आँखें जल उठी सारा जिस्म घृणा और क्रोध से काप उठा उसने कभी कल्पना भी नहीं थी एक दिन वह देवी जैसी रेना का इस रूप में देखेगा धनुष्टंकार एकदम जैसे पागल हो गया उधर पलक झपकते ही बॉन्ड ने उस रोशनदान पर फायर झुका था लेकिन बंदर भी उस्तादों का उस्ताद था वह कमरे के अंदर लहरा गया इसके पूर्व कि बॉन्ड दूसरा फायर करता सिख एक बेहद हल्की सी ध्वनि हुई और माउथ आर्गन के छिद्र से सनसनाती हुई एक सुई निकली और जेम्स बॉन्ड के रिवॉल्वर वाले हाथ में ऐसी घसी कि उसके हाथ से रिवॉल्वर निकल गया लेकिन धनुष्टंकार को असली क्रोध तो रेना पर आ रहा था हवा में लहराता हुआ सीधा रेना के पास गिरा और इससे पूर्व कि कोई कुछ समझ सके रेना के दो तीन तमाचे जड़ दिए तभी जेम्स बॉन्ड पर तभी जेम्स बॉन्ड ने उस पर जंप लगा दी लेकिन धनुष्टंकार अपने छोटे से जिस्म के साथ नीचे से कैसे निकल गया जेम्स बोन को पता भी न चला जेम्स बॉन्ड बिस्तर पर क्रीमिया के ऊपर पड़ा था और पीछे फर्श पर धनुष्टंकार न केवल बड़े आराम से मौत ऑर्गन बजा रहा था बल्कि अपनी ही धुन पर ठमक ठमक कर नाच भी रहा था बॉन्ड भी बड़ी तेजी के साथ घूमा लेकिन घूमते ही वह चकरा गया उसे लगा जैसे उसे चक्कर आ रहे हैं उसने संभलने की बहुत कोशिश की लेकिन संभल नहीं सका अंत में वह चकरा कर फर्श पर गिर गया बेहोश होता होता वह यह अवश्य सोच रहा था कि यह बंदर वास्तव में बड़ा शरारती है वह समझ चुका था कि टंकार ने आर्गन बजाते बचाते कुछ छिद्र खोल दिए थे जिनमें से गंधहीन बेहोशी की दवा निकली और अपना कमाल दिखा गया जेम्स पॉन्ड के गिरते ही टंकार ने मौत आर्गन जेब में डाल दिया और एना की ओर बढ़ा वह भी बेहोश हो चुकी थी अभी धनुष्टंकार कुछ सोच ही रहा था कि दाएं दाएं ताए धनुष्टंकार चौका सारी इमारत फायरों के धमाकों से गूंज उठी